परीक्षा सीटेट परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को कराया गया था, लेकिन सीटेट परीक्षा पर परीक्षा पेपर लीक का मामला आने के बाद दोस्तों तुरंत संज्ञान में लिया गया। और परीक्षा पर दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे परीक्षा को लेकर क्या कुछ अपडेट आया है और किन किन की परीक्षा दोस्तों रद्द होगी। ठीक है, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, 21 जनवरी 2024 को सीटेट की परीक्षा पूरे भारत में कराई जाती है, लेकिन कई सेंटर ऐसे थे जहां पर परीक्षा लीक के मामले सामने आए, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए और वहां पर दोस्तों जमकर विरोध किया। उसके बाद पेपर को सोशल मीडिया पर डाला गया। अब जब सोशल मीडिया पर जाएगा तो हर जगह पहुंच जाएगा, तो एक सेंटर की बात नहीं होती, तो हो जाता है कि हर एक जगह अगर पेपर सर्कुलेट हो गया तो जाहिर सी बात है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी करें कि कुछ ही सेंटर परीक्षा रद्द होगी। तो देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कोई भी पेपर अगर वायरल होता है तो वो एक सेंटर की बात नहीं रहती, वो सार्वजनिक सब किसी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो परीक्षा तो पूरी रद्द होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को सपोर्ट में आना होगा। ठीक है, अपनी बात को उठाना होगा और हम लोग जा रहे हैं सीबीएसई ऑफिस। ठीक है, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोग सीटेट परीक्षा कैंसिलेशन के सपोर्ट में हैं, नई परीक्षा तिथि के सपोर्ट में हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि हम लोग आज प्रॉपर एविडेंस के साथ सीबीएसई ऑफिस जाएंगे, वहां पर अपनी बातों को रखेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर कर देना। जैसे ही वहां से कुछ अपडेट या फिर कोई जवाब आएगा तुरंत हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अगर कैंसिलेशन के सपोर्ट में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, अपनी राय मेंशन करना चाहिए।